कर्नाटक में कांग्रेस को मिल रही ऐतिहासिक प्रतिक्रिया के चलते आज ठाणे शहर में कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए पटाखे फोड़े गए और ढोल नगाड़े बजाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता विक्रांत चौहान ने बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और कर्नाटक में कांग्रेस और विपक्षी नेताओं के खिलाफ तरह तरह की कार्रवाई की, इसलिए कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को सबक सिखा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों ने भाजपा के सांप्रदायिक विचारों को खारिज कर दिया है और सभी धर्मों की समानता का नारा देने वाली कांग्रेस का समर्थन किया है। कांग्रेस को बहुमत हासिल हो रही है, अभी भी निकाल बाकी है, जिस तरीके से क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? जी जी जी, जिस तरीके से कर्नाटक में निकाल अभी भी चालू है, कांग्रेस को बहुमत हासिल हो रही है, जल्लोष कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? 100% यहाँ पे हमारा हमको आदेश आया और हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, जनता की इच्छा थी कि हर गली कूचे में ये आनंद यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाए। उसी माध्यम से कर्नाटक का जो विजय है उसका आनंद हम ठाणा कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरीके से बजरंग बली का नाम लिया गया था उसके अंदर, जिस तरीके से राजनीति की गई थी, बजरंग बली के नाम पर, मोहम्मद पैगंबर के नाम पर यहाँ पे कांग्रेस का बंटवारा, जनता का बंटवारा करने का प्रयत्न यहाँ पे किया था। नॉर्थ इंडिया में यही प्रयत्न उनका सफल हुआ था, लेकिन साउथ इंडिया जो है वो पूरी सुशिक्षित है, वहाँ पे साउथ इंडियन लोगों ने यहाँ पे ये नकारा है बजरंग बली का या पैगंबर का। ये लोगों को खाना चाहिए, लोगों को महंगाई नहीं चाहिए, वहाँ पे किसानों को अनाज चाहिए, यहाँ पे उनको सुरक्षा चाहिए, जो वहाँ के कामगार है, वहाँ के लेबर है, उनको सुरक्षा चाहिए। जनता वहाँ असुरक्षित है, वहाँ पे GST से परेशान है धंधे वाले लोग, और सभी ने मिलकर यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ वोटिंग किया। दिग्गज नेता वहाँ पे मौजूद थे, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, पूरे केंद्र की सत्ता, वो खुद को दिग्गज समझते हैं। हम दिग्गज खुद को नहीं मानते, जनता ने हमें दिग्गज कहना चाहिए। जिस तरीके से मूवी आई थी द केरल स्टोरी, जिस तरीके चल रही है विवादों को लेकर, देखो वो केरल स्टोरी हो, सावरकर हो, इसमें हम विश्वास नहीं रखते। लोगों को क्या चाहिए? पेट भरने के लिए खाना चाहिए। यहाँ पे जोर का झटका धीरे से कांग्रेस ने दिया है, जनता ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार हो, जिस तरीके से क्या और निकाल जो लगेंगे उसमें भी झटका पड़ेगा। 100% ठाणे महानगर पालिका में हम 100% महाविकास आघाड़ी करेंगे।